सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी और मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। एक बड़ी कॉमन समस्या है हम सभी के साथ, सुबह सुबह हमारा मोशन क्लियर नहीं होता और हमें 3 से 4 बार 5 बार जाना पड़ता है सुबह अपने मोशन को क्लियर करने के लिए। क्यों होती है ये तकलीफ हमें और क्या उपाय करें? बहुत क्लियर कंसेप्ट मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कि क्या होता है हमारी आंतों के साथ यदि हमारा मोशन क्लियर नहीं हो रहा है और क्या गतिविधियां हमारे लीवर में होती हैं। हमारे लीवर का मुख्य काम और हमारी आंतों का मुख्य काम, दोनों का जो मुख्य काम है वो है खाने का पाचन करना। जब हमने खाना मुंह में डाला, खाना आहार नाल से होता हुआ हमारे पेट में हमारे स्टमक में गया, स्टमक में एसिड मिलाया गया और खाने को जलाने की प्रोसेस चालू की गई। ये खाना आगे जाकर कुछ देर बाद छोटी आंत में आएगा और आंत के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ बड़ी आंत में जाएगा। छोटी आंत में जब खाना आया था तो खाने में लीवर से आया हुआ पित्त रस मिलाया गया ताकि खाने को अच्छे से मिलाया जा सके और आगे पाचन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। ये जो पूरी प्रोसेस है, इस दौरान आंतों में लीवर से आया हुआ पित्त रस मिलाया जाता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम मिलाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक से आया था उसको मिलाया गया और खाने का पाचन किया गया। बातों को धीरे धीरे समझिए। अब खाने का पाचन होने के बाद खाने को भेजा गया बड़ी आंत में, बड़ी आंत में जाने के बाद खाना अवशोषित किया गया, उसमें से पानी और सॉलिड मटेरियल या सेमी सॉलिड स्थिति में लाकर उसे आगे भेज दिया गया। ये पूरी प्रोसेस जो है ये खाने को मुंह में ले जाने से लेके पचाने तक की प्रोसेस है। इस सभी प्रोसेस में यदि आपने एक बात ध्यान दी कि यदि आपके खाने में हरी सब्जियां, सैलेड या फ्रूट्स की मात्रा नहीं रहती या फाइबर्स की मात्रा नहीं होती और खाना यदि चिपचिपा हो रहा है, यानी खाने में ज्यादा चिकनाई युक्त चीजें ली जा रही है, तो खाना ठीक से पचेगा नहीं, क्योंकि खाना बना ही इस एनवायरमेंट में है, इस माहौल में है कि खाने में बहुत ज्यादा चिकनाई युक्त चीजें हैं, जैसे कि तेल बहुत ज्यादा है, फैट बहुत ज्यादा है, वसा बहुत ज्यादा है, तो खाना चिकना खाना आंतों से होता हुआ जब जाएगा तो तकलीफ रहेगी, आपकी आंतें ठीक से साफ नहीं होगी। तो आपको क्या करना चाहिए? ये बहुत सिंपल सी बात है समझने की कि हमें अपनी आंतों को साफ करने के लिए शुरुआत हमारे खाने से करनी चाहिए। हमारे खाने में जितनी मात्रा में सलाद हम डालेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि सैलेड जितना जाएगा उतना हमारे खाने में फाइबर्स रहेंगे, हमारे खाने में फ्रूट्स भी रहेंगे, फल भी रहेंगे। अब जो लोग ये शिकायत करते हैं वीडियो देखने के बाद कि फ्रूट्स हमें उपलब्ध हो नहीं पाते, हमारी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है कि हम रोज फल खा पाए, बहुत अच्छी बात है। आपको हरी सब्जियां जो आप घर पे खा रहे हैं या जो सब्जी बना रहे हैं उसमें भी बहुत ज्यादा फाइबर मिलता है, लेकिन कोशिश करें कि सब्जियां कच्ची हो। सलाद आप ले सकते हैं, एक या दो कोई भी वैरायटी का सलाद, यदि आप गाजर ले लें या आप मूली ले लें या आप ककड़ी ले लें, खीरा ले लें, तो कोई भी एक चीज भी यदि आपके खाने में चले जाए तो भी ये फाइबर का काम करेगी और फाइबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके खाने को पचाने के लिए। चलिए अब मैं बात करता हूं, ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस थी जो आपको हमें खाने में रखना है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन ये बात आपको जब रोज बार बार किसी चैनल के माध्यम से पता चलेगी तो आप में वो अवेयरनेस आएगी और आप दवाइयों से दूर होंगे, क्योंकि हर कोई दवाइयों के माध्यम से खाने को पचाना चाहता है। अगली बात, आप बहुत ज्यादा मसालेदार जब खाना खा रहे हैं तो भी आपका खाना ठीक से नहीं पचेगा और आपको असुविधा होगी दूसरे दिन। ज्यादा रात में देर रात तक खाने के बाद आपके खाने में जब मसाले आते हैं तो आपको असुविधा होती है दूसरे दिन और ये बड़ी बीमारियों का कारण बनते हैं। चलिए क्या करें, कौन सी दवाइयां लें जिससे आपका पेट साफ रहे और दूसरे दिन पूरी तरह क्लियर पेट आपको आने वाली बीमारियों से बचाए, उसके लिए
कौन सी दवाइयां ली जाए ये मैं आपको बता रहा हूं। दो दवाइयों का जिक्र मैं हमेशा करता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली जो दवा है वो है लाइकोपोडियम 200। ये दवाई तब ली जाती है जब गैस एसिडिटी आपके पेट में बहुत ज्यादा बन रही है और खट्टी डकारें आ रही है। तो लाइकोपोडियम का सीधा लक्षण यह है कि आपके पेट में पेट फूला फूला लगता है, नाभि से नीचे की तरफ पूरा पेट फूला हुआ है और इस तरह की खट्टी डकारें आपको आती है। ये लाइकोपोडियम का सिम्टम्स है और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। आपके मोशन जो चिपचिपा होता है, चिपकता है, उसके लिए बहुत अच्छी ड्रग है क्योंकि ये लीवर के फंक्शन को कंट्रोल करती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण ड्रग है वो है नक्सवामिका 200। नक्सवामिका 200 का काम है ये रात में जो जाग रहे हैं या बहुत देर रात तक काम कर रहे हैं, जो वर्कोहोलिक लोग हैं, बहुत ज्यादा काम करने का है, प्रेशर बहुत रहता है, टेंशन स्ट्रेस तनाव बहुत रहता है और कोई एक चीज जैसे चाय कॉफी ड्रिंक या अल्कोहल या कोई भी ऐसा एडिक्शन इन्हें रहता है, उनके लिए बहुत अच्छी ड्रग है। और आजकल की जीवन शैली में जब कोई एडिक्शन ना हो तब भी आप लेट नाइट स्लीप वाले हैं और आपको नाइट में काम करना पड़ता है या नाइट शिफ्ट है, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण ड्रग है नक्सवामिका 200। तो ये दोनों दवाई या तो आप रात में ले लें एक खुराक दो बूंद क्योंकि ये ड्रॉप में आपको अवेलेबल होती है, या फिर दो दो बूंद सुबह शाम के डोजेज में भी आपको कुछ दिन तक ले लें तो आपकी ये तकलीफ ठीक हो जाएगी और आपको अपने खाने में भी बदलाव करना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण ड्रग है जो आप यूज करते हैं या कुछ लोग यूज करते हैं या यूज कर सकते हैं जब आपका पेट साफ ना हो और गैस बनती है और बहुत ज्यादा एसिडिटी आपको रहती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो या बहुत ज्यादा जलन हो रही है सीने में, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है हाइड्रेस्टिस 30 पोटेंसी में। 200 पोटेंसी भी इसकी उपयोग कर सकते हैं आप, लेकिन हाइड्रेस्टिस के रिजल्ट मुझे 30 पोटेंसी में बहुत अच्छे मिले हैं। हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस नाम को अच्छे से नोट कर लें। मैं तीनों दवाइयों के नाम फिर से बता रहा हूं, लाइकोपोडियम 200, नक्सवामिका 200 और हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी। हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस को केवल सुबह और शाम को दो बार ले लीजिए और दो तीन दिन तक इसको फिर मत लीजिए क्योंकि एक ही बार एक दिन की खुराक में ही ये अपना पूरा काम कर जाती है। यदि आपको एसिडिटी ज्यादा होती है और यदि आपको गैस्ट्राइटिस हो या अल्सर वगैरह हो तो आपको इसको रेगुलर करना है। ये बहुत अच्छी ड्रग है और एसिडिटी, हार्टबर्न, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस जिसमें आपका खाना ऊपर की ओर चढ़ता है, सीने में जलन बहुत होती है, घबराहट बेचैनी होती है, चेस्ट पेन होता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी ड्रग है और अल्सर्स के लिए तो बेस्ट है। पेट के जितने भी अल्सर छाले हैं उसके लिए ये बेस्ट ड्रग है। होम्योपैथी में बहुतायत मात्रा में और लगभग सभी एसिडिटी की जितनी भी मेडिसिन और टॉनिक्स आती हैं उसमें हाइड्रेस्टिस पाया ही जाता है। तो ये तीन दवाओं को मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरह से आप इसका उपयोग करें। गैस बनता है, मोशन क्लियर नहीं होता, उसके लिए आपको लाइकोपोडियम लेना है, एसिडिटी खट्टी डकारें आती है, तो दूसरी जो दग है नक्सवामी का 200 वो आपको तब लेनी है जब आपका मोशन क्लियर नहीं होता, रात में आप जागते हैं, कुछ एडिक्शन है और आपको बहुत ज्यादा रात में जागना ही पड़ता है, काम करना पड़ता है और मोशन आपका क्लियर नहीं होता, थोड़ी बार में जो थोड़ा थोड़ा भी मोशन होता है उसमें भी आपको ताकत लगानी पड़ती है, मोशन एक बार में क्लियर नहीं होता। हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस एसिडिटी वाली ड्रग है, एसिडिटी जलन, सीने में जलन, डकारें, पेट फूलना, लेकिन बहुत ज्यादा एसिडिटी यदि रहती है आपको तो हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस लेना है। ये तीनों मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे जब यूज करेंगे, और एक और बात, ये इसमें साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं कि आपको बहुत सारे लोग लिखेंगे कि इसमें साइड इफेक्ट होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, ये बिल्कुल भी मत घबराइए, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन है और होम्योपैथिक मेडिसिन में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बस मदर टिंचर्स जब हम लेते हैं उस समय हमको ध्यान रखना है कि जबरदस्ती के हाई डोजेस मदर टिंचर के नहीं लेना है क्योंकि ये थोड़े से आपके लिए रिस्की है। ये पोटेंसी है, पोटेंसी वाली ड्रग को आपको लेने में कोई समस्या नहीं है, आप इसे रिपीट कर सकते हैं दिन में दो बार तीन बार, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के कमेंट देखा उनमें लिखा था कि एक ही बार देना चाहिए, दो बार दो नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये बहुत मुझे तो इन लोगों के नॉलेज पे भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि इन्हें नॉलेज को अपने को करेक्ट करना चाहिए क्योंकि जब कोई एक्यूट कंप्लेंट होगी तो आपको मेडिसिन को रिपीट करना होता है, तो ये एक्यूट डिसीजेस के लिए है, क्रॉनिक डिसीजेस के लिए नहीं है। क्रॉनिक डिसीजेस का सिस्टम, क्रॉनिक डिसीज में ट्रीटमेंट हमेशा डिफरेंट होता है। तो यहां जितने भी वीडियोस हैं वो एक्यूट कंडीशंस को लेकर बनाए जा रहे हैं, अभी ये जो छोटे वीडियोस हैं,
तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं कंफ्यूजन हटाने की कोशिश कर रहा हूं और लोग जो खुद कंफ्यूज हैं वो दूसरों को कंफ्यूज कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की है, इस साइंस के बारे में भी नहीं जानते और मेडिकल साइंस के बारे में भी नहीं जानते, वो भी लोग यहां कमेंट करते हैं तो बड़ा अजीब सा कमेंट। ये दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को, जो खुद भ्रम की स्थिति में है वो दूसरों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा हमेशा होता है। तो आप जिस भी जगह पे हैं, दूर दराज के इलाकों में हैं, गांव में रहते हैं, एक बार जब भी आप शहर जाते हैं तो इन दवाइयों को लेकर आ जाएं, बहुत सस्ती हैं और बहुत सस्ता इलाज है और बहुत आराम लगेगा। क्योंकि ये वीडियोस गांव में, शहरों में तो रहते हैं उनको तो अवेलेबल है, गांव में रहने वाले लोगों के लिए बहुत खासकर बनाया गया है क्योंकि उन्हें दवाइयां अवेलेबल हो नहीं पाती और वो बीमार होते रहते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये बहुत प्रैक्टिकल वीडियो है, आपको प्रैक्टिकली काम आएगा और आप इसे उपयोग करेंगे अपनी जिंदगी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप नए हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा यदि आप बार बार हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहते हैं। और लोगों तक जिस तरह से आप शेयर कर रहे हैं, लोगों तक इसको पहुंचा रहे हैं और जो जरूरी है, जरूरतमंद है, उन तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।